हेलो गाइस, हाउ आर यू। मैं भूपेंद्र सिंह। आज की क्लास में हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत। आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे हम इंटरचेंज करते हैं एक्टिव वॉइस के सेंटेंस को एक पैसिव वॉइस के सेंटेंस में। ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत हम पिछली क्लासों में पढ़ चुके हैं, या जो भी पीछे की क्लासें हमने अटेंड की उसमें हम पढ़ चुके हैं कि कैसे डिफरेंट टाइप से हम दिए गए सेंटेंस को एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तित कर देते हैं। तो उसी क्रम में आज की क्लास में हम बात करेंगे कि कैसे दिया हुआ कोई एक्टिव वॉइस का सेंटेंस पैसिव वॉइस में कन्वर्ट किया जाता है। क्योंकि ट्रांसफॉर्मेशन का कंसेप्ट ही है हम दिए गए सेंटेंस के रूप को परिवर्तित कर दें, लेकिन दिया हुआ सेंटेंस के भाव, या जो दिया हुआ सेंटेंस है उसके भाव अपरिवर्तित रहें, या यूं कह लो उसके भाव परिवर्तित होने ना पाए। तो हम अपनी बात को दो तरीके से कह सकते हैं, एक एक्टिव वॉइस और दूसरा उसी बात को हम पैसिव वॉइस में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक्टिव वॉइस में क्या होता है कि दिए गए सेंटेंस में जो सब्जेक्ट होता है उसको प्रधानता दी जाती है। एक्टिव वॉइस के सेंटेंस में सब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, जबकि पैसिव वॉइस के सेंटेंस में ऑब्जेक्ट को प्रधानता दी जाती है, वहां सब्जेक्ट को प्रधानता नहीं दी जाती। तो जैसा कि आप जानते हैं कि एक्टिव से पैसिव प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस के वाक्यों को आप एक्टिव से पैसिव में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो जैसे प्रेजेंट टेंस के चार भाग होते हैं, पास्ट के चार भाग होते हैं, फ्यूचर के चार भाग होते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो चार, 4 × 3 अर्थात 12 सेंटेंस या 12 टेंसेस के सेंटेंस होते हैं। लेकिन पैसिव वॉइस की अगर बात करें तो उन 12 प्रकार के वाक्यों की पैसिव वॉइस नहीं बनती, पैसिव वॉइस केवल 8 प्रकार के वाक्यों की बनती है। और जो चार प्रकार के वाक्य हैं, चार टेंसेस के वाक्य हैं जिनकी पैसिव वॉइस नहीं बनती है, वो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस और एक फ्यूचर कंटीन्यूअस और एक है आपका फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस। ये चार टेंसेस ऐसे हैं इनके सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बनती। तो 8 प्रकार के टेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है और इन टेंसों में भी 3-3 खंड होते हैं, अफर्मेटिव, निगेटिव, इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप, इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप। तो अगर इस तरह देखें तो बहुत तरह के या बहुत सारे वाक्यों की पैसिव वॉइस बनती है जिनको हम टेंस के अकॉर्डिंग यहाँ पर कंप्लीट नहीं कर सकते क्योंकि काफ़ी लंबा प्रोसेस हो जाएगा। तो हम दूसरी तरीके चलते हैं कि असर्टिव के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस कैसे बनती। इसमें यद्यप टेंस बाय टेंस सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस नहीं बताई जा सकती क्योंकि प्रोसेस बहुत लंबा हो जाएगा। तो हम आज बात करेंगे कि कैसे असर्टिव के सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है, कैसे इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनती है, कैसे इम्परेटिव सेंटेंसेस की पैसिव वॉइस बनती। तो यहाँ पर कुछ एग्जाम्पल दिए गए हैं, आइए हम उन एग्जाम्पल्स के माध्यम से देखते हैं कैसे वन बाय वन हम एक्टिव सेंटेंसेस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो सबसे पहले एक्टिव के सेंटेंस को जब आप पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो दो चीज़ों का आपको ध्यान में रखना होगा। नंबर एक, सब्जेक्ट को आपको ऑब्जेक्ट बनाना होगा और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट, मतलब एक्टिव का जो सेंटेंस है उसको ही एग्जाम्पल के माध्यम से देख लीजिए। जैसे मान लीजिए दिया हुआ है जो एक्टिव का सेंटेंस, उसमें सब्जेक्ट के तौर पे हमारे फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन यूज हुआ आई। तो यहाँ सब्जेक्ट आई है और ऑब्जेक्ट यहाँ पर है माई बुक, ऑब्जेक्ट है यहाँ पर माई बुक। तो इस एक्टिव के सेंटेंस को जब हम पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है वही सब्जेक्ट बन जाएगा। तो जब इसको कन्वर्ट किया जाएगा पैसिव में तो देखते हैं सेंटेंस क्या बनेगा। माई बुक जो ऑब्जेक्ट था एक्टिव के सेंटेंस का उसी को पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट बना लिया जाता है। अब उसके बाद एक प्रॉपर वर्ब यूज की जाती है और प्रॉपर वर्ब कैसी होनी चाहिए, वो प्रॉपर वर्ब रिलेटेड होगी जिस तरह का आपका सेंटेंस है उसी सेंटेंस के कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब यहां पर यूज होती। जैसे हम सेंटेंस में देखेंगे तो आई के साथ
एम यूज़ हुआ है। एम यूज़ का मतलब प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है यहाँ पर, तो आपको प्रेजेंट कंटीन्यूअस की ही हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी होगी, लेकिन इज एम आर के साथ आपको बीइंग और ऐड करना होगा, और उसके बाद वर्ब की आपको थर्ड फॉर्म रखनी होगी, और फिर जो एक्टिव का सब्जेक्ट है पैसिव में वो ऑब्जेक्ट बनकर आ जाएगा, लेकिन उस ऑब्जेक्ट से पहले आपको अमूमन बाई ऐड करना पड़ता। तो जब इस दिए गए सेंटेंस को पैसिव में हम कन्वर्ट करेंगे तो देखते हैं सेंटेंस कैसे बनेगा। माय बुक इज बीइंग रेड, माय बुक, अब हम इसके बाद हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, और उसके बाद हमको बीइंग और ऐड कर देना है, और ये बीइंग किसमें किसमें ऐड होगा, जब आपका एक्टिव का सेंटेंस प्रेजेंट कंटीन्यूअस होगा या एक्टिव का सेंटेंस आपका पास्ट कंटीन्यूअस होगा, उस कंडीशन में आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग ऐड करना होगा। और ये बीइंग क्यों ऐड किया जाता है उसका भी रीजन है। एक्टिव के सेंटेंस में आप देख पाते हैं कि वर्ब के साथ आईएनजी यूज हुई है, और जब इस सेंटेंस को आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पैसिव का एक कंसेप्ट है कि वहां वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म यूज होती, तो उस नाते यहां पे जो रीडिंग के साथ आईएनजी फॉर्म है वो हमको नदारत मिलेगी पैसिव में, क्योंकि पैसिव में वर्ब की हम थर्ड फॉर्म यूज करेंगे, तो ये आईएनजी के भाव जो है वो वहां पे मिसिंग होने लगते हैं। तो इस आईएनजी के भाव को सेंटेंस में बनाए रखने के लिए हेल्पिंग वर्ब के साथ बीइंग ऐड किया जाता है। किस किस सेंटेंस में, जो सेंटेंस आपके होंगे प्रेजेंट कंटीन्यूअस के और साथ साथ पास्ट कंटीन्यूअस के, इस चीज का आपको ध्यान रखना। तो जब ये सेंटेंस कन्वर्ट होगा तो बनेगा माय बुक इज बीइंग अ वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रीड तो मेन फॉर्म होती है, रीड रेड, रेड रीड मेन फॉर्म होती है और रेड सेकेंड फॉर्म और रेड ही थर्ड फॉर्म। स्पेलिंग यद्यपि वही है, बस प्रोनंसिएशन में चेंजेज आ जाता है। तो माई बुक इज बीइंग रेड, माई बुक इज बीइंग रेड बाय, अब जो आपका सब्जेक्ट था वो बनेगा ऑब्जेक्ट, लेकिन यहां पे सब्जेक्ट आपका जो है वो है फर्स्ट पर्सन का प्रोनाउन आई, और ये सब्जेक्टिव केस में तो आई लिखा जाता है, लेकिन यही आई जब आप ऑब्जेक्टिव केस में यूज होता तो वहां आई नहीं लिखते, फिर वहां आई का ऑब्जेक्टिव केस, क्योंकि आई सब्जेक्टिव केस है, और ऑब्जेक्टिव केस में ये हो जाता है मी। तो सेंटेंस क्या लिखा जाएगा, माय बुक इज बीइंग रेड बाय मी, और इस तरह से दिया हुआ जो एक्टिव का सेंटेंस है वो पैसिव में कन्वर्ट होगा। जैसा कि हमने बताया कि स्टेप बाय स्टेप हम हर टेंस के वाक्यों को कवर नहीं कर सकते यहाँ, तो हम कोशिश ये करते हैं कि पहले असर्टिव के सेंटेंसेस को आप कवर कर लें। अगला सेंटेंस देखते हैं, असर्टिव के अंतर्गत आप जानते हैं कि अफर्मेटिव सेंटेंसेस भी आ जाते हैं और निगेटिव भी आ जाते हैं। अगला सेंटेंस जब हम देखते हैं तो पाते हैं माई टीचर डज नॉट टीच हिंदी, मेरे टीचर हिंदी नहीं पढ़ाते हैं। यहां पे भी आप देखेंगे माई टीचर आपका सब्जेक्ट है, माई टीचर आपका सब्जेक्ट है और हिंदी ये आपका ऑब्जेक्ट है। तो जैसा कि एक्टिव से पैसिव बनाने के नियम में बताया गया है कि सब्जेक्ट को आप ऑब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, तो सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, हिंदी, सब्जेक्ट हमारा बनेगा हिंदी, और सब्जेक्ट के बाद हमको एक प्रॉपर वर्ब यूज करनी है, और वो प्रॉपर वर्ब कहां से मिलेगी हमको, वर्ब तो यहीं से मिलेगी, लेकिन जिस टेंस का ये सेंटेंस है उसी के कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब हमको चाहिए। जैसे हम देख पा रहे हैं कि दिया गया सेंटेंस यहाँ डज नॉट लगा, मतलब प्रेजेंट इंडेफिनिट का निगेटिव है, तो हमको प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब चाहिए, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर, और इज एम आर में से ही भी कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी वो डिपेंड करेगा आपके न्यू सब्जेक्ट पे। पहले से क्या सब्जेक्ट है वो माने नहीं रखता, माने रखता है कि पैसिव बनाते समय आपका नया सब्जेक्ट क्या है, जो नया सब्जेक्ट होगा उसके अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी। तो यहां हिंदी के साथ हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे इज, तो सेंटेंस हमारा पैसिव में क्या बनेगा, हिंदी इज, और चूंकि दिया गया सेंटेंस निगेटिव है तो हिंदी इज नॉट, हिंदी इज नॉट, और अब इसके बाद हमको चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो टीच तो यहां मेन फॉर्म यूज हुई, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है टीच, सेकंड फॉर्म होती टाट, थर्ड फॉर्म भी टाट होती, तो हम वर्ब की यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, पैसिव में वर्ब की हर हाल में थर्ड फॉर्म ही यूज होगी। तो हिंदी इज नॉट टाट बाई,
taught taught by, अब by हमने लगा दिया न्यू ऑब्जेक्ट से पहले, और नया ऑब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा, जो एक्टिव के सेंटेंस का सब्जेक्ट था पैसिव में वही हमारा ऑब्जेक्ट बनेगा। तो ऑब्जेक्ट क्या बनेगा, my टीचर। तो हिंदी इज नॉट taught by my टीचर, taught by my टीचर, और इस तरह से दिया हुआ एक्टिव का जो सेंटेंस है वो कन्वर्ट हो गया है पैसिव वाइज में। अगला सेंटेंस हम देखते हैं, तो ये दोनों सेंटेंसेस बिलोंगिंग थे असर्टिव के। अब यहां पे अगला जो सेंटेंस दिया गया है वो है इंट्रोगेटिव का। तो इंट्रोगेटिव आपको पता है दो टाइप के सेंटेंस होते हैं, इंट्रोगेटिव भी टू टाइप के होते हैं। एक कौन से, ऐसे सेंटेंस जो या तो मॉडल एक्सिलरी से शुरू होते हैं या प्राइमरी एक्सिलरी से शुरू होते हैं, उनको कहते हैं इंट्रोगेटिव फर्स्ट टाइप। और एक सेंटेंस होते हैं जो क्वेश्चन वर्ड से शुरू होते हैं, वो कहलाते हैं इंट्रोगेटिव सेकेंड टाइप। यहां पे हम देख पा रहे हैं कि दिया हुआ सेंटेंस आपका जो है वो प्राइमरी एक्सिलरी से शुरू हुआ, तो हम कह सकते हैं ये दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव, वो भी फर्स्ट टाइप का। अब ऐसे सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वाइज में, तो बस इतना ध्यान रखना है कि दिया गया सेंटेंस अगर हेल्पिंग वर्ब से शुरू है तो आपको भी जो पैसिव में सेंटेंस कन्वर्ट करेंगे वो सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से शुरू होना चाहिए। और हेल्पिंग वर्ब कौन सी होनी चाहिए, दिए गए सेंटेंस में चूंकि ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है इंट्रोगेटिव, तो आपको हेल्पिंग वर्ब चाहिए प्रेजेंट कंटीन्यूअस की, और प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। और इज एम आर में से कौन सी हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे ये डिपेंड करेगा आपके न्यू सब्जेक्ट पे। तो यहां देख पा रहे हैं कि यू तो हमारा सब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट है म्यूजिक, लेकिन जब इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो यही म्यूजिक हमारे लिए सब्जेक्ट का काम करेगा। तो कुल मिला के जो हेल्पिंग वर्ब हमें यूज करनी है वो किससे बिलोंगिंग होनी चाहिए, म्यूजिक से बिलोंगिंग होनी चाहिए, और किस टेंस की होनी चाहिए, प्रेजेंट कंटीन्यूअस की। तो हेल्पिंग वर्ब जब हम यूज करेंगे तो इज एम आर में से एक चीज यूज करनी है, और म्यूजिक के साथ हम यूज करेंगे इज। तो सेंटेंस क्या बनेगा, इज म्यूजिक इज म्यूजिक। अब ये तो हो गया सब्जेक्ट, अब इसके बाद हमको वर्ब की यूज करनी थर्ड फॉर्म, क्योंकि हेल्पिंग वर्ब यूज हो गई, ऑब्जेक्ट को हमने सब्जेक्ट बना लिया, अब हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो ये है लर्न, और लर्न 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 थर्ड फॉर्म पे क्या होती है, लर्न। तो इज म्यूजिक लर्न, इज म्यूजिक लर्न वर्ब की थर्ड फॉर्म हो जाएगी लर्न, इज म्यूजिक लर्न बाई। अब यूज यहां पे सब्जेक्ट था और यही सब्जेक्ट अब हमारे लिए ऑब्जेक्ट का काम करेगा, लेकिन सेकंड पर्सन यू एक ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्टिव केस में भी यू की फॉर्म में रहता है और ऑब्जेक्टिव केस में भी ये यू की फॉर्म में ही रहता है। तो इज म्यूजिक लर्नड बाय यू, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। तो इस तरह से आपका दिया हुआ जो एक्टिव वाइज का सेंटेंस था वो अब कन्वर्ट हो गया है पैसिव वाइज के सेंटेंस में। और अगर दिए गए सेंटेंस के भाव आप देखें तो भाव आपको सेम वही मिलेंगे जो एक्टिव वाइज के सेंटेंस के हैं, वही भाव रिप्रेजेंट कर रहा है पैसिव वाइज का सेंटेंस, बस दिए गए सेंटेंसेस के रूप को परिवर्तित कर दिया गया है, लेकिन दिए गए सेंटेंसेस के भाव एक समान ही आपको मिलेंगे। अगला सेंटेंस आप देखते हैं तो आप पाएंगे कि अगला सेंटेंस दिया हुआ है वो भी बिलोंगिंग है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। कैसा सेंटेंस है, इंट्रोगेटिव, लेकिन ये इंट्रोगेटिव सेंटेंस ना तो प्राइमरी एक्सिलरी से शुरू हुआ है ना मॉडल एक्सिलरी से शुरू हुआ, ये शुरू हुआ है आपका क्वेश्चन वर्ड से। तो यूं कह सकते हैं आप कि ये दिया गया सेंटेंस इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का है। अब ऐसे सेंटेंसेस को आप कैसे पैसिव में कन्वर्ट करेंगे, तो जब इंट्रोगेटिव सेकंड टाइप का सेंटेंस दिया हो तो सबसे पहले पैसिव वाइज बनाते समय आप क्वेश्चन वर्ड से ही सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, उस क्वेश्चन वर्ड से जिस क्वेश्चन वर्ड से एक्टिव का सेंटेंस शुरू हुआ। तो यहां पर व्हेन से शुरू हुआ है एक्टिव का सेंटेंस, पैसिव वाइज का सेंटेंस भी आप व्हेन से शुरू करेंगे। तो सबसे पहले आप क्या लिखेंगे, व्हेन, और इसके बाद क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको चाहिए हेल्पिंग वर्ब। तो यहां आप पाते हैं हेल्पिंग वर्ब जो यूज हुई है वो डू है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, लेकिन आपको चूंकि पैसिव में कन्वर्ट कर रहे हैं तो हेल्पिंग वर्ब आप यूज करेंगे कंटीन्यूअस की, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस है
तो आपको इंट्रोगेटिव, तो आपको यूज करनी है हेल्पिंग वर्ब प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, वो है इज एम आर। और कौन सी हेल्पिंग वर्ब आपको यूज करनी है ये डिपेंड करेगा आपके न्यू सब्जेक्ट पे। तो न्यू सब्जेक्ट यहां क्या बनेगा, हॉकी। तो हॉकी के अकॉर्डिंग आप हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे किसकी, प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, जो कि होती है इज एम आर। तो व्हेन इज हॉकी, व्हेन इज, अब इसके बाद हमको चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको बना रहे हैं हम, हॉकी को। व्हेन इज हॉकी, व्हेन इज हॉकी, अब चाहिए हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म। और वर्ब यहां क्या यूज हुई है, प्ले। तो प्ले की थर्ड फॉर्म होती है प्लेड। तो व्हेन इज हॉकी प्लेड, व्हेन इज हॉकी प्लेड, अब हमारा जो नया ऑब्जेक्ट यहां पे यूज होगा वो एक्टिव का सब्जेक्ट होगा, लेकिन उस नए ऑब्जेक्ट से पहले हम बाय यूज करते हैं। तो व्हेन इज हॉकी प्लेड बाय, सब्जेक्ट हमारा यू था, वही यू हमारा यहां पर बन जाएगा ऑब्जेक्ट, और दिया हुआ सेंटेंस हमारा कन्वर्ट हो जाएगा एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में। तो सेंटेंस क्या बना, व्हेन इज हॉकी प्लेड बाय यू। अगला सेंटेंस जब देखते हैं तो पाते हैं हम, व्हाई हैज द टीचर टर्न्ड आउट द चाइल्ड, टीचर ने बच्चे को क्यों बाहर कर दिया, टीचर ने बच्चे को क्यों टर्न्ड आउट कर दिया, बाहर कर दिया, बाहर भगा दिया। तो यहां पे भी हम पाते हैं कि दिया गया सेंटेंस हमारा इंट्रोगेटिव है, वो भी सेकंड टाइप का, क्योंकि दिया गया एक्टिव का सेंटेंस शुरू होता है क्वेश्चन वर्ड से। तो जब आप इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो आप क्वेश्चन वर्ड से ही सेंटेंस की शुरुआत करेंगे, मतलब पैसिव, जो आप पैसिव वाइज में सेंटेंस कन्वर्ट करेंगे एक्टिव का, तो उस पैसिव वाइज के सेंटेंस की शुरुआत भी क्वेश्चन वर्ड से ही होगी। तो सबसे पहले आप लिखेंगे व्हाई, और जब क्वेश्चन वर्ड आप लिख लेंगे, क्वेश्चन वर्ड के बाद आपको जरूरत पड़ेगी हेल्पिंग वर्ब की। तो यहां हम देख पा रहे हैं कि हैज यूज हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट, हेल्पिंग वर्ब किस टेंस की यूज हुई है, प्रेजेंट परफेक्ट। तो इट मींस जब आप इसको कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब आपको चाहिए, और प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है हैज बीन या हैव बीन। तो यहां पर हैव यूज हुआ है, लेकिन हम ये देखेंगे कि हमारा सब्जेक्ट नया क्या बन रहा है, क्योंकि ये हैव यूज होगा कि हैव यूज होगा ये डिपेंड करेगा हमारे न्यू सब्जेक्ट पे, और न्यू सब्जेक्ट हमारा क्या है, एक्टिव के सेंटेंस का जो ऑब्जेक्ट है वही हमारा न्यू सब्जेक्ट होगा। तो ऑब्जेक्ट यहां क्या है, द चाइल्ड। इट मींस जो हम हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे वो रिलेटेड होनी चाहिए द चाइल्ड सिंगुलर नाउन से। तो व्हाई के साथ हम अब क्या यूज करेंगे, हैज। Why has, वैसे तो हमें हेल्पिंग वर्ब कंटिन्यूअस की यूज करनी है, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की, तो हैज बीन होगा। लेकिन जब हेल्पिंग वर्ब दो वर्ड से मिलकर बनती तो वो दोनों वर्ड एक साथ नहीं लिखे जाते, एक सब्जेक्ट से पहले और एक सब्जेक्ट के बाद। तो सेंटेंस क्या बनेगा, व्हाई हैज, अब हमको चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या बनाया हमने, एक्टिव के ऑब्जेक्ट को, जो कि है द चाइल्ड। तो व्हाई हैज द चाइल्ड, व्हाई हैज द चाइल्ड, अब इसके बाद हम यूज करेंगे बीन, क्योंकि हैज पहले से था, जब इसको हमने कन्वर्ट किया पैसिव में तो बन गया हेल्पिंग वर्ब यूज हुई हैज बीन। तो हैज हो गया सब्जेक्ट के पहले, बीन हो गई सब्जेक्ट के बाद। व्हाई हैज द चाइल्ड बीन, अब चाहिए हमको वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो जब ये सेंटेंस देखते हैं हम एक्टिव का, तो यहां पर प्रेजेंट परफेक्ट, क्योंकि सेंटेंस प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का था, तो वहां पे वर्ब की ऑलरेडी थर्ड फॉर्म यूज हुई थी। कहने का अर्थ ये हुआ कि हमें अब यहां वर्ब के साथ कोई चेंजेज नहीं करने हैं। तो व्हाई हैज द चाइल्ड बीन टर्न्ड आउट, टर्न्ड आउट, Why has the child been turned out? अब हमको यूज करना है ऑब्जेक्ट, पैसिव में हमें यूज करना है ऑब्जेक्ट, और वो ऑब्जेक्ट कहां से होगा, एक्टिव के सेंटेंस के सब्जेक्ट को ही हमें ऑब्जेक्ट बनाना है। तो by सब्जेक्ट हमारा क्या था, the teacher, तो by the teacher, by the टीचर, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क, दिया हुआ
एक्टिव का जो सेंटेंस था वो पैसिव में कन्वर्ट हो गया। तो ये कुछ एग्जाम्पल हैं जो या तो असर्टिव के सेंटेंसेस हैं या इंट्रोगेटिव के सेंटेंसेस हैं। अब हम बात करेंगे कुछ और सेंटेंसेस की जिनमें मॉडल एक्सिलरी यूज हुए हैं, और मॉडल एक्सिलरी आपको पता है कि कैन हुआ, कुड हुआ, मे हुआ, माइट हुआ, शुड हुआ, आर्ट हुआ, ये सारी मॉडल एक्सिलरीज वर्ब्स कहलाती हैं। तो इन सेंटेंसेस में अब आप पाते हैं कि मॉडल एक्सिलरी यूज हुई। तो आइए देखते हैं कि इन सेंटेंसेस को कैसे हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं। तो मॉडल एक्सिलरीज से शुरू होने वाले या मॉडल एक्सिलरीज यूज होने वाले सेंटेंसेस क्या हैं? जैसे लिखा है सेंटेंस, यू आर टू रेस्पेक्ट योर एल्डर्स, तुम्हें अपने बड़ों का रेस्पेक्ट करना चाहिए। तो इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वाइज में तो तरीका वही रहेगा हमारा, सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट। तो यहां पर ऑब्जेक्ट हमारा क्या है? योर एल्डर्स। सब्जेक्ट हमारा क्या बनेगा? योर एल्डर्स। और क्यों बनेगा? क्योंकि ये एक्टिव का ऑब्जेक्ट है और एक्टिव का सब्जेक्ट क्या है? यू। इट मींस जब इसको आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो जो आपका एक्टिव का ऑब्जेक्ट है वही पैसिव में सब्जेक्ट का काम करेगा, और जो एक्टिव का सब्जेक्ट है वो पैसिव में ऑब्जेक्ट का काम करेगा। तो सबसे पहले सेंटेंस हम क्या लिखेंगे? योर एल्डर्स। योर एल्डर्स, योर एल्डर्स, योर एल्डर्स, ये हुआ हमारा सब्जेक्ट। अब सब्जेक्ट के बाद हम यूज करते हैं मॉडल एक्सिलरी, जो भी यूज हुई सेंटेंस में उसको यूज करते हैं। तो योर एल्डर्स आर्ट टू, योर एल्डर्स आर्ट टू। अब जब मॉडल एक्सिलरीज के सेंटेंस होते हैं वहां पर आपको बी ऐड करना होता है। क्या ऐड करना होता है? बी। तो योर एल्डर्स आर टू बी, आर टू बी, और इस बी के बाद अब हमको यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो रेस्पेक्ट है यहां पे वर्ब, और रेस्पेक्ट की थर्ड फॉर्म होती है रेस्पेक्टेड। आर टू बी रेस्पेक्टेड, आर टू बी रेस्पेक्टेड बाई यू, आर टू बी रेस्पेक्टेड बाई यू। क्योंकि जो तुम्हारा सब्जेक्ट था एक्टिव वाइज का उसी को पैसिव वाइज में ऑब्जेक्ट बना दिया गया है। अगला सेंटेंस देखते हैं तो हम पाते हैं सी कैन रेड द रामा, सॉरी सी कैन रीड द रामायण। क्योंकि ये जो वर्ब है ये फर्स्ट फॉर्म है, ये वर्ब जो है ये फर्स्ट फॉर्म की वर्ब है। अब इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे पैसिव वाइज में तो जो हमारा ऑब्जेक्ट है द रामायणा वही हमारे लिए सब्जेक्ट का काम करेगा। तो सेंटेंस क्या बनेगा? द रामायणा द रामायणा। अब सब्जेक्ट के बाद हमको यूज करना है मॉडल एक्सिलरी, तो कैन यूज हुआ है। तो जब हम इस सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो द रामायणा कैन, और कैन के साथ आपको बी और ऐड कर देना है। तो द रामायणा कैन, और कैन के बाद आपको बी और ऐड कर देना है, कैन बी। अब उसके बाद आपको चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो यहां रीड ये वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, हम जो यूज करेंगे वो यूज करेंगे थर्ड फॉर्म, लेकिन ये इत्तफाक है कि रीड की तीनों फॉर्म वही ही होती हैं, बस उनके प्रोनंसिएशन में चेंजेज आ जाता है थर्ड फॉर्म में। तो द रामायणा कैन बी रेड, हम क्या प्रोनंसिएशन करेंगे? रेड बाई, रेड बाई। अब सब्जेक्ट हमारा है सी, यही बनेगा हमारा ऑब्जेक्ट पैसिव में, लेकिन सी जो है वो सब्जेक्टिव केस में होता है। ऑब्जेक्टिव केस में हम सी नहीं यूज करते, ऑब्जेक्टिव केस में हम इसको हर की फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो द रामायणा कैन बी रेड बाई हर, रेड बाई हर। और इस तरीके से दिया हुआ सेंटेंस आपका पैसिव वाइज में कन्वर्ट हो गया है। अगला सेंटेंस देखते हैं, सी लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रेन, सी लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रेन, ये आपका ये वाला सेंटेंस दिया हुआ है। अब दूसरा सेंटेंस आप यहां पे देखेंगे, सी लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रेन, वो अपने बच्चों की देखभाल
करती है। तो यहां पे लुक्स आफ्टर ये आप फ्रेज है, क्योंकि लुक्स का अर्थ अलग आप निकालेंगे तो लुक का मीन्स होता है देखना, लेकिन जब आप लुक्स आफ्टर लुक आफ्टर देखेंगे एक साथ करके तो इसका अर्थ होता है देखभाल करना, पालन पोषण करना या देखभाल करना। तो सी लुक्स आफ्टर हर चिल्ड्रन, वो अपने बच्चों की परवरिश कह लो या वो अपने बच्चों की देखभाल करती। यहां पर हर चिल्ड्रन आपका ऑब्जेक्ट है, वो बन जाएगा सब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट क्या होगा? हर चिल्ड्रन। हर चिल्ड्रन उसके बच्चे, हर चिल्ड्रन। अब यहां पे हम देख पा रहे हैं कि इस दिए गए सेंटेंस में कोई मॉडल एक्सिलरी तो यूज नहीं हुई, तो हम देखते हैं सेंटेंस किस टेंस में है। तो यहां लुक के साथ एस लगा, मतलब ये प्रेजेंट इंडेफिनिट का सेंटेंस है, और जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब यूज की जाएगी प्रेजेंट कंटिन्यूअस की, और प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है इज एम आर। लेकिन वो डिपेंड करेगा हमारे न्यू सब्जेक्ट पे कि इज एम आर में से हमें कौन सी हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है। क्योंकि यहां हर चिल्ड्रन उसके बच्चे प्लूरल में आया है सब्जेक्ट, तो हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे प्लूरल की, अर्थात आर। तो सेंटेंस क्या बनेगा? हर चिल्ड्रन आर और लुक आफ्टर वर्ब जो यूज हुई है वो लुक यूज हुई, तो जब हम उसको थर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे तो हो जाता है लुक्ड आफ्टर। तो हर चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर, लुक्ड आफ्टर बाय। अब यहां भी सब्जेक्ट सी ही आया था, तो ये सी जब ऑब्जेक्ट की फॉर्म में या ऑब्जेक्टिव केस में यूज किया जाएगा तो वो हर की फॉर्म में यूज किया जाएगा। तो हर चिल्ड्रन आर लुक्ड आफ्टर बाय हर, एक बार यहां भी हर यूज होगा। इस तरीके से यह सेंटेंस भी आपका पैसिव वाइज में कन्वर्ट हुआ। अब हम बात करते हैं लास्ट सेंटेंस की। तो व्हाई कैन यू नॉट लिफ्ट अ हैवी बॉक्स, यहां भी आप देख पा रहे हैं कैन यूज हुआ, मतलब मॉडल एक्सिलरी यहां भी यूज हुई। तो सेंटेंस चूंकि इंट्रोगेटिव है, इट मींस आपको पैसिव वाइज बनाते समय भी सेंटेंस की शुरुआत हेल्पिंग वर्ब से ही, सॉरी क्वेश्चन वर्ड से शुरू हुआ सेंटेंस, तो आपको पैसिव बनाते समय सेंटेंस की शुरुआत क्वेश्चन वर्ड से ही करनी होगी। तो सेंटेंस क्या बनेगा? व्हाई। अब इसके बाद आप यूज करेंगे मॉडल एक्सिलरी जो कि है कैन। तो व्हाई कैन। अब हमको इसके बाद चाहिए सब्जेक्ट। सब्जेक्ट हमारा क्या है? अ हैवी बॉक्स। तो व्हाई कैन अ हैवी बॉक्स। अब चूंकि सेंटेंस आपका निगेटिव था तो यहां पे सब्जेक्ट के बाद आप निगेटिव वर्ड यूज करेंगे नॉट। तो व्हाई कैन अ हैवी बॉक्स नॉट, और चूंकि ये मॉडल एक्सिलरी यूज हुई थी तो हमको इसमें बी भी ऐड करना है। तो व्हाई कैन अ हैवी बॉक्स नॉट बी, और ये बी यूज किया जाता है वर्ब की थर्ड फॉर्म से पहले। तो अब बी के बाद हमको यूज करना है वर्ब की थर्ड फॉर्म। वर्ब यहां है लिफ्ट, और लिफ्ट की थर्ड फॉर्म होती है लिफ्टेड। तो व्हाई कैन अ हैवी बॉक्स नॉट बी लिफ्टेड, नॉट बी लिफ्टेड बाय। सब्जेक्ट यहां क्या था? यू। तो वही यू अब ऑब्जेक्ट बन के जाएगा, और यू एक ऐसा वर्ड है जो सब्जेक्टिव केस में भी यू की फॉर्म में रहता है, और ऑब्जेक्टिव केस में भी लिखे जाने पर वो यू की फॉर्म में ही रहता है। तो लिफ्टेड बाई यू, और इसके बाद क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से ये कुछ दिए हुए सेंटेंसेस हैं जिनको ट्रांसफॉर्मेशन के अंतर्गत एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में कन्वर्ट कर दिया गया है। आइए कुछ और एग्जांपल देख लेते हैं कि कैसे दिए गए सेंटेंसेस को एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में कन्वर्ट करते हैं। तो टेंस के अकॉर्डिंग कुछ सेंटेंस हम ऑलरेडी देख चुके हैं, अब हम बात करते हैं कि ऐसे सेंटेंसेस की जो टेंस बिलोंगिंग ना हो। जैसे सबसे पहले हम बात करते हैं इन्फिनिटिव। अगर आपको दिए गए एक्टिव वाइज के सेंटेंस
में इन्फिनिटिव वर्ब देखने को मिलती है तो आप ऐसे सेंटेंसेस को कैसे पैसिव वाइज में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, सी इज टू रेड, सी इज टू रीड अ बुक, मतलब उसे एक पुस्तक पढ़नी होगी। यहां पे बाध्यता इन्फिनिटिव लगाया गया है, अर्थात यहां सेंटेंस के भाव बयां कर रहे हैं कि उसे किताब पढ़नी होगी, उसे एक किताब पढ़नी होगी कह लो या पढ़नी पड़ेगी। तो जब इस सेंटेंस को आप कन्वर्ट करेंगे तो बाकी स्ट्रक्चर वही चलेगा, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट और सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट। तो यहां पे ऑब्जेक्ट देख पा रहे हैं आप कि ऑब्जेक्ट आपका है अ बुक, ऑब्जेक्ट क्या है अ बुक, और सब्जेक्ट हमारा इस सेंटेंस में क्या है सी। तो हम ऑब्जेक्ट को ही सब्जेक्ट बनाएंगे, सब्जेक्ट क्या बनेगा हमारा अ बुक, सब्जेक्ट क्या बनेगा अ बुक। अब बुक, अब इसके बाद हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब हमारी वही रहेगी इज एम आर, जो भी प्रेजेंट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब है वो हेल्पिंग वर्ब ही यहां पे हम यूज करेंगे। तो अ बुक इज टू बी रेड, जो टू लगा है उसके बाद हमें बी ऐड करना है, तो अ बुक इज टू बी, वहां रीड था यहां पे हो जाएगा रेड, अ बुक इज टू बी रेड बाई, अब सब्जेक्ट हमारा सी है, वही सी जब ऑब्जेक्ट बनेगा तो सब्जेक्टिव केस में तो वो सी होता है, लेकिन जब ऑब्जेक्टिव केस में लिखेंगे तो वो सी न रह करके हर बन जाएगा। तो अ बुक इज टू बी रेड बाई हर, और इस तरीके से दिया हुआ सेंटेंस आपका एक्टिव वाइज से पैसिव वाइज में कन्वर्ट हुआ है। अगला सेंटेंस देखते हैं, द चिल्ड्रेन विल हैव टू रीड इंग्लिश, बच्चों को इंग्लिश पढ़नी होगी। अब इस सेंटेंस को जब हम कन्वर्ट करेंगे तो वही चीज, ऑब्जेक्ट को हम बनाएंगे सब्जेक्ट, यहां पे ऑब्जेक्ट हमारा क्या है इंग्लिश, ऑब्जेक्ट हमारा क्या है इंग्लिश, और इसी इंग्लिश को हमें बनाना पड़ेगा सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट बन गई इंग्लिश। अब इसके बाद सब्जेक्ट के बाद हमको चाहिए हेल्पिंग वर्ब, तो यहां पे आप देख पा रहे हैं विल हैव टू यूज हुआ, तो विल हैव टू के बाद आपको बी यूज करना है, विल हैव देख के आप बी ना ऐड करना क्योंकि यहां टू यूज हुआ है, तो विल हैव टू के बाद आप बी यूज करेंगे ना कि बीन। तो इंग्लिश विल हैव टू, इंग्लिश विल हैव टू बी, विल हैव टू बी। अब इसके बाद वर्ब की हमें चाहिए थर्ड फॉर्म, और रीड की थर्ड फॉर्म रेड होती, तो इंग्लिश विल हैव टू बी रेड, टू बी रेड बाय, अब जो सब्जेक्ट हमारा था द चिल्ड्रेन, वही द चिल्ड्रेन आप लिख लें, बाय द चिल्ड्रेन, यहां स्पेस कम है आप बाय द चिल्ड्रेन कर लीजिए। तो सेंटेंस आपका क्या बना, जो दिया गया एक्टिव का सेंटेंस था जब उसको पैसिव में कन्वर्ट किया गया तो सेंटेंस हमारा बना इंग्लिश विल हैव टू बी रेड बाय द चिल्ड्रेन। अब आइए आगे के सेंटेंस देखते हैं, तो जब आपको एक्टिव वाइज में ऐसे सेंटेंस दिखाई दें कि जहां पर उन सेंटेंसेस में सब्जेक्ट या तो ज्ञात ना हो या सब्जेक्ट निरर्थक हो, तो ऐसे एक्टिव के सेंटेंसेस को कैसे हम पैसिव वाइज में कन्वर्ट करते हैं। तो जैसे सेंटेंस दिया हुआ है नन हेयर्ड द नॉइज, नन हेयर्ड द नॉइज, यहां पे द नॉइज को आप बनाएंगे सब्जेक्ट, तो सब्जेक्ट आपका क्या बना द नॉइज, द नॉइज, द नॉइज। अब यहां पे हम देख पा रहे हैं कि सेंटेंस में हेड यूज हुआ था वर्ब की सेकेंड फॉर्म, अर्थात आप ये कह सकते हैं दिया गया सेंटेंस पास्ट इंडेफिनिट है, मींस पास्ट कंटीन्यूअस की आपको हेल्पिंग वर्ब यूज करनी है, तो द नॉइज के अकॉर्डिंग आपको पास्ट कंटीन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती वाज या वर, तो द नॉइज जो हमारा सब्जेक्ट है उसके अकॉर्डिंग हम वाज यूज करेंगे। तो सेंटेंस क्या बनेगा, द नॉइज वाज, द नॉइज वाज, और उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और हेयर्ड की थर्ड फॉर्म ऑलरेडी हेयर्ड ही होती है, तो सेंटेंस क्या बना द नॉइज वाज,
द नॉइज वाज हर्ड। अब यहां पर बाई नन लिखने की आपको जरूरत नहीं, क्योंकि यहां सब्जेक्ट जो था वो क्लियर नहीं है, ज्ञात नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस में आपको बाई के बाद ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती, बस यहीं पे आप सेंटेंस क्लोज कर दें। तो सेंटेंस हमारा पैसिव में क्या बना, द नॉइज वाज हर्ड। जब आपका सेंटेंस है द नन, सॉरी नन हर्ड द नॉइज, किसी ने आवाज नहीं सुनी, जब इसको आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, द नॉइज वाज हर्ड, द नॉइज वाज सॉरी हर्ड लगा, इसका मतलब होगा कि जो नॉइज थी वो सुनी गई, लेकिन यहां पर नन लगा है तो उसके लिए हम, क्योंकि हर्ड सुनी गई, सेंटेंस के भाव परिवर्तित हो जाएंगे, तो द नॉइज वाज नॉट हर्ड, क्योंकि नन वाले भाव अभी यहां बाकी रह गए हैं, तो द नॉइज वाज नॉट हर्ड, द नॉइज वाज नॉट हर्ड। इस तरह से दिए हुए सेंटेंस के भाव अगर आप देखेंगे तो भाव भी आपको सेम मिलेंगे, बस इस पैसिव वाइज में आपको बाई करके ऑब्जेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है। अगला सेंटेंस है, समवन ऑर्डर्ड द स्टूडेंट, किसी ने बच्चों को आदेश दिया, काहे के लिए, टू गो होम, घर जाने के लिए। अब आदेश किसने दिया है यह क्लियर नहीं है, कुल मिला के यहां सब्जेक्ट ज्ञात नहीं है, स्पष्ट नहीं है, तो ऐसे सेंटेंसेस जिनमें सब्जेक्ट ज्ञात ना हो या सब्जेक्ट क्लियर ना हो, ऐसे सेंटेंस को जब पैसिव में आप कन्वर्ट करते हैं तो उसमें बाई लगा के आपको ऑब्जेक्ट लिखने की जरूरत नहीं होती। अब इस दिए गए सेंटेंस भी, ये दिया गया सेंटेंस भी उसी कैटेगरी से है, तो इस सेंटेंस को जब आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो सेंटेंस क्या बनेगा, द स्टूडेंट्स वर ऑर्डर्ड, द स्टूडेंट्स। अब देखते हैं हम यहां पे ऑर्डर्ड यूज हुआ है, अर्थात वर्ब की सेकेंड फॉर्म पास्ट इंडेफिनिट है, तो जब इसको पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो पास्ट इंडेफिनिट है, अगर सेंटेंस एक्टिव का तो पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब लगनी है, और पास्ट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब होती है वाज या वर, क्योंकि हमारा सब्जेक्ट द स्टूडेंट्स है, इसलिए द स्टूडेंट्स के अकॉर्डिंग हेल्पिंग वर्ब वर यूज होगी, तो द स्टूडेंट्स वर हेल्पिंग वर्ब हम यूज करेंगे वर्ब, द स्टूडेंट्स वर, द स्टूडेंट्स वर, अब वर के बाद अब हमको चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, क्योंकि ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म है ऑर्डर्ड, हमें चाहिए वर्ब की थर्ड फॉर्म, ये वर्ब की सेकेंड फॉर्म ऑर्डर्ड और थर्ड फॉर्म भी ऑर्डर्ड ही होती है, तो सेंटेंस क्या बनेगा हमारा, द स्टूडेंट्स वर ऑर्डर्ड, वर ऑर्डर्ड, और फिर आगे टू गो होम आप लिख दीजिए, और फिर आपको ऑब्जेक्ट दिखाने की जरूरत नहीं है, टू गो होम, द स्टूडेंट्स वर ऑर्डर टू गो होम, स्टूडेंट्स जो थे उनको आदेश दिया गया काहे के लिए, अपने घर जाने के लिए, तो इस तरह से, और आप बाई करके समवन दिखाने की आपको जरूरत नहीं, अर्थात दिए गए सेंटेंस में जो कि पैसिव में आपने कन्वर्ट किया है, इसमें आपको ऑब्जेक्ट बाई करके ऑब्जेक्ट दिखाने की जरूरत आपको नहीं, क्योंकि दिए गए सेंटेंस में सब्जेक्ट जो है वो स्पष्ट नहीं, क्लियर नहीं है। आइए अब आगे देखते हैं, अब बात करते हैं हम इंपरेटिव सेंटेंसेस की, अगर दिए गए एक्टिव वाइज में आपको इंपरेटिव सेंटेंसेस देखने को मिल जाए तब आप उन दिए गए सेंटेंसेस को कैसे पैसिव वाइज में कन्वर्ट करेंगे। तो जैसे सेंटेंस दिया गया है, आपको पता है इंपरेटिव सेंटेंस ऐसे सेंटेंसेस होते हैं जो या तो प्लीज से शुरू होते हैं या तो प्लीज से शुरू होंगे या मेन वर्ब से शुरू होंगे, और अगर निगेटिव हैं तो वो डू नॉट से शुरू हो जाएंगे या डोंट से शुरू होते हैं। तो यहां भी आप देख पा रहे हैं सेंटेंस शुरू हुआ कंप्लीट से, और कंप्लीट क्या है, एक वर्ब है, तो सेंटेंस है कंप्लीट योर वर्क नाउ, अपना वर्क अब कंप्लीट करो। ऐसे सेंटेंसेस को जो इंपरेटिव सेंटेंस होते हैं जब उनको हम पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो या तो हम लेट लगा के कर लेते हैं, तो अगर इस सेंटेंस को आप लेट लगा के कन्वर्ट करेंगे पैसिव में तो सेंटेंस क्या बनेगा, लेट योर वर्क बी कंप्लीटेड नाउ, लेट लगा के फिर हमको चाहिए ऑब्जेक्ट, उसी ऑब्जेक्ट को आप सब्जेक्ट बनाएंगे, ऑब्जेक्ट यहां क्या है, योर वर्क, तो लेट योर वर्क
और इसके बाद आप यूज करते हैं बी का, तो लेट योर वर्क बी, उसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म, और वर्ब वहां क्या है कंप्लीट, तो कंप्लीट की थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगी कंप्लीटेड। लेट योर वर्क बी कंप्लीटेड और उसके बाद नाउ। यहां भी आपको ऑब्जेक्ट मेंशन करने की जरूरत नहीं होती, पैसिव वॉइस के सेंटेंसेस में आपको ऑब्जेक्ट मेंशन करने की जरूरत नहीं। वैसे अगर आप चाहें तो बाय यू कर सकते हैं, क्योंकि इंपरेटिव सेंटेंसेस में सब्जेक्ट जो है वो यू के रूप में हमेशा छुपा हुआ होता। अगला सेंटेंस, अगर इसी सेंटेंस को आप और एक तरीके से बनाना चाहें तो आप ऐसे भी कह सकते हैं, यू आर एडवाइज्ड, यू आर एडवाइज्ड, फिर यू आर एडवाइज्ड के बाद आप वर्ब से पहले टू लगा दें तो सेंटेंस क्या बन जाएगा, यू आर एडवाइज्ड टू कंप्लीट योर वर्क। उस कंडीशन में फिर कंप्लीटेड आप नहीं लिखेंगे, क्योंकि एडवाइज्ड आप ऑलरेडी वर्क की थर्ड फॉर्म यूज कर चुके हैं। तो चाहे लेट से करिए, चाहे यू आर एडवाइज्ड, यू आर सजेस्टेड, यू आर रिक्वेस्टेड, इस तरीके से बनाइए, वो भी आपका पैसिव वॉइस में सेंटेंस कन्वर्ट हो जाता। अगला सेंटेंस, जैसे प्लीज लगा हुआ है यहां पे, तो प्लीज डू नॉट कर्स हिम, कृपया उसे मत कोसिए। तो अगर आप इसको चाहो तो यू आर रिक्वेस्टेड से भी इसको चेंज कर सकते हो कि यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कर्स हिम, ऐसे भी आप बना सकते हैं, यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कर्स हिम, लेकिन हम इसको लेट से बनाए दे रहे हैं। तो सेंटेंस क्या बनेगा, लेट ही नॉट बी कर्स्ड, लेट ही, लेट और लेट के बाद हमको जो ऑब्जेक्ट है उसी को सब्जेक्ट बनाना है। ऑब्जेक्ट यहां हिम है जो ऑब्जेक्टिव केस में है, लेकिन जब उसको सब्जेक्टिव केस में यूज करोगे तो ही बन जाएगा। तो लेट ही नॉट बी, चूंकि बी हमेशा वर्ब से पहले लगता है, तो लेट ही नॉट बी और कर्स की थर्ड फॉर्म आप यूज करेंगे तो हो जाएगा कर्स्ड, लेट ही नॉट बी कर्स्ड, और इसके बाद फुल स्टॉप। इसी सेंटेंस को आप अगर चाहें तो रिक्वेस्टेड से बना सकते हैं कि यू आर रिक्वेस्टेड नॉट टू कर्स हिम, ऐसे भी आपका यह सेंटेंस पैसिव में बन जाएगा। अगला सेंटेंस, डोंट आस्क हिम सिली क्वेश्चंस, डोंट आस्क हिम सिली क्वेश्चंस, तो इसको जब आप कन्वर्ट करेंगे तो यहां भी आप लेट से ही बनाइए, तो लेट सिली क्वेश्चंस नॉट बी आस्क्ड, लेट, अब सिली क्वेश्चन को बनाओ सब्जेक्ट, लेट सिली क्वेश्चंस, लेट सिली क्वेश्चंस Not be asked, not be asked him, और इस तरीके से दिया हुआ सेंटेंस पैसिव में कन्वर्ट हुआ लेट से, लेट सिली क्वेश्चंस नॉट बी आस्क्ड बाई हिम। अगला सेंटेंस देखते हैं, अब अगर दिए गए एक्टिव के सेंटेंस में ऑलरेडी आपको लेट मिले, वैसे तो पैसिव के सेंटेंसेस को आप सॉरी वैसे तो इंपरेटिव सेंटेंसेस को जब आप पैसिव में कन्वर्ट करते हैं तो लेट यूज करके या लेट इस्तेमाल करके, लेट यूज करके आप सेंटेंस को पैसिव में कन्वर्ट करते हैं, लेकिन मान लीजिए एक्टिव के दिए गए सेंटेंसेस में आपको लेट पहले से ही देखने को मिल जाए, जैसे लेट हिम गो, लेट मी रन, ऐसे सेंटेंस अगर देखने को मिले तो ऐसे सेंटेंसेस की आप पैसिव वाइज कैसे बनाएंगे। जैसे दिया है लेट राखी राइट अ लेटर, तो लेट अ लेटर बी रिटन बाय राखी, ऐसे आप इसको चेंज कर सकते हैं पैसिव में, लेट अ लेटर। अगर दिए गए सेंटेंस के भाव देखें तो क्या है कि लेट राखी राइट अ लेटर, मतलब राखी को एक पत्र लिखने दो, और इसी सेंटेंस को जब आप पैसिव में कन्वर्ट करेंगे तो लेट अ लेटर बी वर्ब की थर्ड फॉर्म, लेट अ लेटर बी रिटन बाय राखी, अर्थात राखी को एक पत्र लिखने दो, लेट अ लेटर बी रिटन बाय राखी, राखी के द्वारा एक पत्र लिखा जाने दो। अगला सेंटेंस है, लेट हिम
रीड द बुक, अर्थात उसे पुस्तक पढ़ने दो। तो लेट द बुक बी रेड, लेट द बुक। अब यहां पे द बुक को सब्जेक्ट बनाएगा, तो लेट द बुक और उसके बाद बी, बुक के बाद सब्जेक्ट के बाद आप क्या यूज करेंगे, बी। और बी के बाद आपको वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है। यहां पे वर्ब यूज हुई है रीड, तो रीड की थर्ड फॉर्म होती है रेड। लेट द बुक बी रेड, बी रेड बाय। अब यहां पे लेट के बाद चूंकि हिम यूज हुआ था, यहां पे ऑब्जेक्टिव केस में तो हिम यूज होगा। लेट द बुक बी रेड बाय हिम, क्योंकि लेट के बाद आपको वैसे भी लेट के बाद अगर तुरंत सब्जेक्ट देखने को मिलता है, तो अगर वो प्रॉपर नाउन है तो प्रॉपर नाउन की फॉर्म में दिखेगा, अदरवाइज अगर वो प्रोनाउन है तो लेट के बाद आपको वो पैसिव वाइज में ही देखने को मिलता है प्रोनाउन। तो लेट हिम, इसीलिए लेट के बाद हिम यूज हुआ। लेट हिम रीड द बुक, उसे पुस्तक पढ़ने दो, जब इसको पैसिव में कन्वर्ट किया तो लेट द बुक बी रेड बाय हिम, अर्थात उसके द्वारा पुस्तक पढ़ी जाने दो। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं जिनमें आपने देखा कि कैसे दिए गए एक्टिव के सेंटेंसेस को पैसिव वाइज में कन्वर्ट करते हैं। हम आशा करते हैं वीडियो आपको पसंद आई होगी। हम फिर मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। टिल देन बाय बाय।